हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में। हमने डिस्कस किया, ब्रीफली डिस्कस किया OSI मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं TCP/IP। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो हम डेफिनेशन सॉरी इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है वो देखते हैं। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। अब OSI मॉडल और TCP/IP में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे टोटल 4 लेयर्स होती हैं, सम केसेस में 5 भी हो जाती हैं, बट मोस्टली हम 5 लेयर का सॉरी 4 लेयर का डिस्कस करते हैं। अब ये 4 लेयर कौन कौन सी हो गई, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम जैसे सबसे पहले हमारी लेयर होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, फिर हमारी इंटरनेट लेयर होती है, फिर हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, देन हमारी एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे हम डिफरेंस भी देख सकते हैं OSI और TCP/IP के बीच में। हमारे जो OSI मॉडल होता है उसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों सेपरेट होती हैं, बट TCP/IP में ये दोनों जो डेटा एंड फिजिकल लेयर ये दोनों के दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर हो जाती है। फिर आता है जो हमारी OSI मॉडल पे नेटवर्क लेयर होती है, वो हमारी यहाँ पे TCP/IP पे इंटरनेट लेयर हो जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। और OSI मॉडल में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों की तीनों सेपरेट होती हैं। और TCP/IP में ये सारी की सारी कंबाइन होती है, मीनिंग कि सिर्फ एक एक एप्लीकेशन लेयर ही होती है। सो टोटली यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे आप कुछ जैसे प्रोटोकॉल्स भी देख सकते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। बेसिकली अगर मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो वर्किंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है इसके अंदर भी। बट क्या होता है, TCP/IP हमारा क्या है, एक प्रैक्टिकल मॉडल है, और जो हमारा OSI मॉडल है वो क्या होता है, वो एक बेस मॉडल था, वो एक रेफरल और यू कैन से थ्योरेटिकल मॉडल था। और यहाँ पे जो हमारा TCP/IP है, हम इसी पे प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री में हम जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो TCP/IP पे हुई है। मतलब हम जो वर्क करते हैं, हमारा जो अब जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, TCP/IP बेसिस पे हो रहा है। बट अगर हम ब्रीफली अगर देखना चाहें, मतलब वर्किंग वैसे ही होती है जैसे हम एक क्लियर जो OSI मॉडल हमारा है वो हमें एक हर एक लेयर के लिए एक क्लियर इमेज देता है कि एक्चुअल में चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। मतलब फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में, देन डेटा लिंक लेयर पे ये सारी चीजें, मतलब हर एक लेयर को सेपरेटली उसके प्रोटोकॉल सारी चीजें अलग अलग बताना। TCP/IP में वर्किंग सिमिलर ही होती है, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो जैसे डेटा कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट रहता है। मतलब एक फ्लो बताते हैं दोनों, OSI मॉडल एंड TCP/IP। OSI मॉडल क्या रहेगा, वो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल था जो कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो एक थ्योरेटिकल था। TCP/IP हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उसको, उस बेसिस पे ही हम चीज़ें हमारी वर्क करती हैं। उस पर हमें मतलब एक क्लियर अगर हमें इमेज चाहिए है कि फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब एक एक चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं, इसलिए हम OSI मॉडल को देखते हैं, मतलब समझते हैं। उससे क्या है, हम TCP/IP को और भी अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसलिए हम OSI मॉडल को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बेस मॉडल है, उससे क्लियर एक इंडिपेंडेंट इमेज मिल जाती है हर एक लेयर के लिए। और TCP/IP में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर रहती है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके जैसे बनती है। तो अब वहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के कंबाइन प्रॉपर्टीज फंक्शंस होंगे, तो यहाँ पे एकदम से अगर हम बात करें नेटवर्क एक्सेस लेयर, तो एक क्लियर इमेज अगर हमको तो, मतलब चाहिए तो हम OSI मॉडल पढ़ लेते हैं। बाकी वर्किंग जो फ्लो रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एक्सेस लेयर रहती है, देन इंटरनेट लेयर जो हमारी OSI मॉडल पे नेटवर्क लेयर थी, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सिमिलर है, ये हार्ट ऑफ द नेटवर्क भी हम बोलते हैं,
और देन एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर हमारी ओएसआई मॉडल पे हमने सेपरेटली बात किया था, सेशन लेयर के बारे में बात किया था, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात किया था, देन एप्लीकेशन के, मतलब ये सारी की चीज़ें सेपरेट थी, बट ये यहाँ पे TCP/IP के केस में ये तीनों का कंबाइन होता है। एप्लीकेशन लेयर सेशन को एस्टैब्लिश करना, डेटा की फॉर्मेटिंग, अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर का जो फंक्शंस है वो भी इसी के अंदर होंगे, किस तरीके से फॉर्मेट करना है डेटा को, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करना, और भी सारी चीज़ें जो भी प्रेजेंटेशन लेयर की थी, और यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र इंटरफेस, मतलब एक्चुअल जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सारी, अब ये सारी फंक्शनैलिटीज जो होगी वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही हो गई। सो बेसिकली अगर हम प्रोटोकॉल्स और वर्किंग अगर देखें तो वो चीज़ें सारी सेम है। अगर हमको क्लियर इमेज चाहिए तो हम OSI मॉडल पढ़ लेंगे, और प्रैक्टिकल वर्किंग जो होती है प्रैक्टिकली TCP/IP को इम्प्लीमेंट किया गया है। सो ये, और हम कहते हैं कि जो हमारी OSI मॉडल है वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है, बट TCP/IP क्वालिटी ऑफ सर्विस जो कि वो OSI जो हमारी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। सो बेसिकली हम जो हमारा TCP/IP मॉडल है बस इतना ही है, जो लेयर्स यहाँ पे थोड़ी लेयर्स डिफरेंट है, और TCP/IP प्रैक्टिकल है, और OSI मॉडल बेस मॉडल था हमारा रेफरल मॉडल। और OSI मॉडल का हम कह सकते हैं या, और ये OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली दोनों मॉडल ही ये बताते हैं कि डेटा जो हो रहा है वो किस, मतलब डेटा कम्युनिकेट किस तरीके से हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, या फिर डिवाइसेस नेटवर्क के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में वर्किंग जो होती है, एक्चुअल वर्किंग जो होती है TCP/IP हम यूज़ कर रहे हैं, और एक क्लियर, एक अच्छी इमेज के लिए, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम OSI मॉडल को पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज TCP/IP एंड OSI मॉडल। थैंक यू गाइस।